जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साजिद हमीद है और मैं दिमाग की बीमारियों का माहिर हूँ। जब मैं अपनी सेकंड फेलोशिप कर रहा था क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी में, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट किया करते थे। टेस्ट जैसे EEG, EMG, NCS, VEP, विजुअल इवोक पोटेंशियल, बेरा, ब्रेन स्टेम इवोक पोटेंशियल, लंबर पंचर। तो जो मरीज़ और उनके अटेंडेंट्स होते थे, वो हमेशा परेशान होते थे इन टेस्ट के बारे में, क्योंकि आम तौर पे हर जगह टेस्ट होती नहीं है और लोगों को इनके बारे में इल्म भी नहीं होता। तो आज वीडियो बनाने का मकसद उन टेस्ट के बारे में थोड़ी सी आगाही देना है। तो सबसे पहले जो टेस्ट होता था वो EEG। अब EEG का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इसमें करते क्या है, जो हमारे दिमाग के अंदर करंट है वो देखते हैं कि करंट नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है। कैसे होता है, बिल्कुल आसान सा है। आप सबने ECG तो देखी होगी, जो दिल की पट्टी होती है। उस पर क्या होता है, सीने पे कुछ तारे लगाते हैं वायर, और मशीन से देख रहे होते हैं कि दिल की रिदम कैसी है, दिल का करंट कैसा है। बिल्कुल उसी तरह से दिमाग के ऊपर कुछ तारे वायर्स लगानी होती हैं सर पे, और वो तारे जो हैं एक कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, और दिमाग की जो एक्टिविटी है वो सारी उस पे नज़र आ रही होती है। ये बेसिकली EEG है। अब ये जो EEG के तारे हैं, उसमें कुछ करंट शरण नहीं होता, ना ही कोई दवाई देते हैं। ये आराम से सर पे लगी हुई होती हैं और कोई तकलीफ नहीं होती इसमें। बस मरीज ने आराम से चुप करके लेटना होता है। चूंकि ये दिमाग पे सर पे लटती हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि टेस्ट से पहले आपका सर धुला हुआ हो, नंबर वन। नंबर टू, सर पे कोई चीज़ ना लगाई हो, कोई तेल, लोशन, ऐसी किस्म की चीज़ें ना लगाई हुई हो। अच्छा, ये जो आम EEG होती है, जिसे हम रूटीन EEG कहते हैं, वो 15 से 20 मिनट की होती है अमूमन। और इसमें अमूमन बीच में इस 15-20 मिनट की रीडिंग में दो मैन्यूवर्स किए जाते हैं। एक तो मरीज की आंखों के सामने तेज लाइट लगाई जाती है 1-2 मिनट के लिए, और दूसरा मरीज को कहा जाता है कि तेज तेज सांसें लें 2-3 मिनट के लिए। अगर बच्चा वो छोटा है या मरीज होश में नहीं है, तो हो सकता है वो तेज तेज सांस लेने वाली चीज वो ना करा सकें, लेकिन अमूमन लाइट फ्लैश तो सब में लगाते हैं। अब ये जो EEG है, इसमें एक सिर्फ मसला बच्चों में होता है, वो ये होता है कि बच्चे आराम से लेट नहीं सकते, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसलिए उन बच्चों का ये टेस्ट नींद की हालत में किया जाता है। अब बच्चे का सोना भी बड़ा मुश्किल है, कि अगर टेस्ट का टाइम सुबह 9 बजे है, तो बच्चे 9 बजे सोएगा कैसे। तो उनको कहा जाता है कि आप थोड़ा सा रात को जल्दी उठा के उसे जगा के रखें, ताकि सुबह नींद आ जाए। अगर आपको ये महसूस हो कि बच्चा फिर भी नहीं सोएगा, तो आप अपने बच्चों के जो डॉक्टर हैं उनके डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है वो ऐसी कोई दवाई दे जिससे बच्चे को नींद आ जाए। वो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा लेना होता है, क्योंकि जो EEG कर रहा है वो दवा नहीं देगा, उसका उस दवाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई EEG। अब EEG का एक किस्म होता है, उसे कहते हैं स्लीप डिप्राइव्ड EEG, यानी बगैर सोए हुए EEG कराना। अब ये जो EEG होती है, इसके लिए जैसे नाम से ही जाहिर है, इस EEG के लिए अमूमन पूरी रात जागना होता है, और सुबह 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 ये टेस्ट होता है, और टेस्ट के दौरान मरीज ने सोना होता है। तो इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि मरीज कुछ टाइम सोए और नींद की हालत में EEG रिकॉर्डिंग हो, और कुछ टाइम मरीज फिर उठे और उठने की हालत में भी हो। तो दोनों, नींद वाली हालत में भी उसमें आ जाता है और उठने वाली हालत में भी। अमूमन ये जो स्लीप डिप्राइव्ड EEG होता है, ये थोड़े से लंबा होता है। अमूमन ये 30 मिनट से ज़्यादा होता है, 45 मिनट्स तक, कभी कभी 1 घंटा भी। ये थोड़ा सा लंबा टेस्ट होता है। इसमें भी उठने की हालत में दो वही लाइट के साथ फ्लैश भी करते हैं, और लंबा लंबा सांस भी दिलवाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका EEG कौन सा है, क्या वो रूटीन EEG है या स्लीप डिप्राइव्ड EEG है। तीसरा एक होता है वीडियो EEG। ये आम EEG की तरह होता है, लेकिन इसमें दो डिफरेंस होते हैं। एक डिफरेंस ये होता है, जो तारे लगी हुई हैं और EEG की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके साथ एक कैमरा लगा हुआ होता है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है।
ताकि जो मरीज की मूवमेंट्स हैं वो भी रिकॉर्ड भी हों वीडियो पे और ईजी पे पता चले, ताकि हम दोनों को कोरिलेट कर सकें कि जब ये मूवमेंट हो रही थी तो ईजी में क्या आ रहा था, वो दोनों चीज़ें हम देख सकें। और अमूमन ये वीडियो ईजी लंबी अरसे तक होती है, 24 घंटे या हो सकता है 2 दिन, 48 आवर्स, 3 दिन, 72 आवर्स, तो ये अमूमन लंबे अरसे के लिए होती है। वीडियो ईजी कराने के अमूमन दो मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि मरीज को ऐसे झटके आ रहे हो जिससे हमें पता ना चले कि वाकई वाकई ये मिर्गी के झटके हैं या किसी और चीज़ के झटके हैं, तो उसमें क्या होता है, ये वीडियो ईजी करनी होती है कि हम वो झटका देख भी सकें और दूसरा हम ईजी रिकॉर्डिंग भी देख कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जितना टाइम वीडियो ईजी लगी हुई हो तो ये झटका हो, अगर झटका ना हुआ तो फिर वीडियो ईजी से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा ये होता है कि अगर किसी को मिर्गी है और उसके लिए ऑपरेशन सर्जरी करने का डिसीशन लेना है, उसमें ऐसा कोई मसला है जिसकी सर्जरी हो सकती है, तो फिर ये टेस्ट कराते हैं ताकि पता चले कि मिर्गी कहाँ से आ रही है, उसके करंट कहाँ पे ज़्यादा है, क्या वही जगह है जहाँ से हम सर्जरी करना चाह रहे हैं या कोई और जगह है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि मिर्गी उसी जगह से आ रही है जहाँ पे हमें एबनॉर्मलिटी मिल रही थी MRI पे, तो फिर हो सकता है उसकी सर्जरी की जाए। पर अगर लगे नहीं मिर्गी के झटके कहीं और से आ रहे हैं और जो हम निकालना चाह रहे थे जो चीज़ थी वहाँ पे उससे मिर्गी का असर नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो सर्जरी ना हो। तो वीडियो ईजी के अमूमन दो होते हैं, जब हमें कन्फ्यूजन हो कि वाकई मिर्गी के झटके हैं या नहीं है या फिर सर्जरी करनी हो।